वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए प्लीज़। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ओप्पो के न्यूली लॉन्च स्मार्ट वॉच के बारे में। तो इस वीडियो में से आगे तक जुड़े रहिए और जानिए इस स्मार्ट वॉच में ऐसा खास क्या है। तो चलो यार देखते हैं। अब बात कर लेते हैं इस ओप्पो के स्मार्ट वॉच में ऐसा खास क्या है। यार मतलब हम स्मार्ट वॉचेस काफी टाइम से देख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मेनली यूज होती है, एक तो हमारी एप्पल वॉच होती है, वो एक पूरे आईओएस वाले यूजर्स के लिए जो काफी ज्यादा कोर एकदम एप्पल फैंस है। दूसरी होती है सैमसंग की वॉच, जो गियर सीरीज थी अब वो चल रही है। अब सैमसंग की भी नई वॉच आई है, उसकी मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। और ये जो ओप्पो की वॉच है ना, ये इसमें कुछ खास है। मतलब आप स्क्रीन पे देखो, ये जो वॉच है ना, ये ओप्पो ने जब ओप्पो रेनो 4 प्रो निकाला था ना फोन, उसके साथ ही लॉन्च करी थी। मतलब काफी हद तक सिमिलर लगते हैं दोनों। मतलब की जो ओप्पो रेनो 4 प्रो था फोन, उसके अंदर भी ऐसा ही है कर्व्ड एकदम जो स्क्रीन है ना, एमोलेड कर्व्ड स्क्रीन है, एंड वो ही सेम कॉन्सेप्ट यूज करा गया इसके अंदर भी, इनके ओप्पो की वॉच में भी, जो की कितना अमेजिंग लग रहा है यार। अब तक के जो होते थे ना वॉचेस, सब में बेजल्स होती थी या सर्कुलर शेप होती थी, इसमें बिल्कुल अच्छी खासी, काफी हद तक कह सकते हैं थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है एप्पल वॉच से, क्योंकि शेप एंड ऑल उसके चक्कर में, और थोड़ी बहुत पैकेजिंग एंड ऑल वो भी काफी हद तक वैसी लगती है, सिमिलर लगती है। बट यार जो डिस्प्ले है वो बहुत ही कमाल है, जो ऐसे आज तक ऐसे देखने को नहीं मिलती। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करूं ना, कैसी है, 1.91 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि बिल्कुल बेजल लेस एक्सपीरियंस देती है। और अगर बात करूं ब्राइटनेस की, 500 निट की ब्राइटनेस है। मतलब मैं एक बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, क्योंकि जितनी भी स्मार्ट वॉचेज आती है, फिटनेस ट्रैकर्स आते हैं, उनके अंदर ब्राइटनेस होती है, पर उनको तुम 4-5 पॉइंट बढ़ाओगे, ठीक है, उसके बाहर सनलाइट में लेके निकलोगे ना, कुछ नहीं दिखता स्क्रीन का, खाली हो जाता, मतलब कि ब्लैंक नहीं है वो, क्लियर क्लैरिटी नहीं आती। इसमें सबसे अच्छा है 500 निट्स की ब्राइटनेस, साथ ही साथ कर्व्ड स्क्रीन, एमोलेड स्क्रीन। मतलब सोचो आपके हाथ में आप एमोलेड स्क्रीन पहन के घूम रहे हो, वो भी कर्व्ड, और 500 निट की ब्राइटनेस, बेजल लेस एक्सपीरियंस, स्क्रीन एंड टू एंड आपको पूरा मिल रहा है। मतलब बहुत ही सही। अब स्क्रीन पर देखो यार, मतलब जितनी बार देखो ना, आपको प्यार हो जाएगा स्क्रीन से। बहुत ही अच्छा स्मार्ट वॉच है, मैं बड़ा तड़ाके नहीं कह रहा, सीरियसली यार। अब मैं अगर बात करता हूँ इसके बिल्ड के बारे में, इस वॉच की अगर आप देखोगे ना, इसका एल्यूमिनियम बिल्ड है। मतलब जो फ्रेम है ना, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और बैक साइड की तरफ देखो सिरेमिक बिल्ड है, जहां पे आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाएगा, काफी और सेंसर्स मिल जाएंगे, मतलब जो कि बहुत ही सही है और बहुत ही प्रीमियमनेस का एक एहसास देते हैं। साथ साथ जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो मैंने देखा, बहुत ही अच्छी स्ट्रैप क्वालिटी है रबर की, एंड जो टेक्सचर है काफी अच्छा है, एंड आपको ये नहीं होगा चीप रबर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, काफी अच्छा क्वालिटी मिलने वाला है। साथ साथ जैसे मैंने बोला, इसका अट्रैक्शन तो यही है, कर्व डिस्प्ले है, जो कि अपने आप में बहुत ही अपीलिंग लगती है हमें, कि लोगों को एकदम अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ की। मतलब एक यूनिकनेस है यार, कि मतलब एक स्मार्ट वॉच के अंदर कितनी एक डिस्प्ले होती है ना, वो काफी मेन होती है। और अब बात करिए, दो डायल्स में आती है, मतलब दो पार्ट फीचर्स में आती है। फीचर्स भी बोलू यार, दो टाइप्स के आते हैं, 41 mm की आती है, 46 mm की आती है। तो दोनों के प्राइस रेंज अलग है, वो मैं वीडियो में आगे तक जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा प्राइस रेंज क्या है। तो अभी के लिए मैंने बोला ये दो डायल में आती है, 41 and 46 mm, अभी के लिए यही चीज है। अगर मैं इसके अंदर की प्रोसेसर की बात करूँ, इसके अंदर दो चिप्स है यार। मतलब सोचो, एक पहली चिप है इनके अंदर स्नैपड्रैगन की VR3100, एंड दूसरी आती है एक माइक्रो अपोलो 3 वायरलेस चिप भी है, मतलब जिसके होते हुए आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ साथ वीयर ओएस का भी सपोर्ट है गूगल के, मतलब जिसके होते हुए सीमलेसली सारी चीजें कनेक्ट होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 1 GB की रैम है और 8 GB की स्टोरेज है, मतलब इसके अंदर भी आपको 1 GB की रैम मिलती है, जो आपको कोई हैंग वैंग कुछ नहीं करेगा। साथ साथ 8 GB की जो स्टोरेज है, उसमें आप सीरियसली गूगल प्ले स्टोर में से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी एप्स, जो कि बहुत ही सही चीज है। मतलब कुछ भी चाहिए आप, कोई भी एप्स डाउनलोड का भी सपोर्ट है। बाकी इस स्मार्ट वॉच के अंदर खास क्या है, जैसे मतलब वियर ओएस तो सपोर्ट करता ही करता है, साथ साथ इसके अंदर दो एप सपोर्ट का यूज करना पड़ता है। एक ओप्पो की ऐप है, ए टैप ऐप होगी, दूसरी है वियर ओएस ऐप, वियर ओएस जो नॉर्मल हमारी ऐप होती है सारी, गूगल वियर ओएस जो सपोर्ट करता है उनके लिए। तो दो एप्स होती है, इसका जरूर ध्यान रखना। साथ साथ इसके अंदर स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों का सपोर्ट है, तो आप आराम से मतलब ठीक ठाक अगर आप कॉल्स भी उठा सकते हैं, जैसे कॉल आई आपने उठा लिया और इससे आप बात कर सकते हैं अपने हाथ मतलब वॉच से, तो डिसेंट सामने वाले को भी आवाज आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली मेरे अकॉर्डिंग। तो अच्छा है, मैंने देखा है, पढ़ा है इसके बारे में, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे को तो काफी पसंद आया है। जैसे मैंने आपको बोला ना, कॉल उठा सकते हैं, बट जो इंडिया में जो वेरिएंट आ रहा है उसके अंदर हमें ई सिम का सपोर्ट नहीं मिलता, तो इसका ध्यान रखना। वैसे जो कॉल से फोन जो कनेक्ट होता है आपका, वैसे आप कॉल उठा सकते हैं, बट ई सिम का कोई फैसिलिटी नहीं है, उसका एक चीज ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर भी 430 mAh की बैटरी मिलती है हमें, जिसके अंदर हमारा सुपर वूक चार्ज भी सपोर्ट करता है ओप्पो का। और ओप्पो ने ये बोला कि 15 मिनट का हम चार्ज करते हैं तो 46% बैटरी चार्ज होती है, जो कि काफी अच्छी है यार। 15 मिनट में अगर आप
46% एक वॉच के लिए इतना सही तो है यार, 15 मिनट में कितना ही होता है, जब तक तैयार हो रहा उतने में लगा तो वॉच आज एक दिन के लिए रेडी। तो काफी अच्छे अच्छे फीचर्स है इस वॉच के अंदर। और अगर बात करूं फिटनेस मोड्स जो इसके अंदर, तो बहुत सारे हैं, भरपूर है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको घर के अंदर इंडोर ट्रेनिंग करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, हार्ट रेट देखना है जो कि काफी एक्यूरेट है, स्लीप ट्रैकिंग है, मतलब जितनी आज की डेट में बाकी फिटनेस ट्रैकर्स में और बाकी अलग अलग ट्रैकर जो आप खरीदते हो सब की जो क्वालिटी है, सारी की सारी चीजें इसके अंदर है, काफी एडवांस लेवल पे है। तो सारे के सारे सेंसर्स इसके अंदर एम्बेडेड है और काफी अच्छा एंड स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके होते हुए कि अच्छे अच्छे लोगों की पिक्स में आ रही है, काफी नोटिस में आ रही है ओप्पो वॉच, बिकॉज ऑफ लुक्स, बिकॉज ऑफ द फंक्शनैलिटी, इजी टू यूज एंड सीमलेस कनेक्शन बिटवीन द फोन एंड द वॉच, ये इनके फीचर्स है जो कि बहुत ही एक यूनिक चीज बनाती है। और पुराने वाले आपको पता ही है, जो वॉचेस आते थे काफी लैग करते थे, बैटरी नहीं होती थी, चार्जिंग में बहुत टाइम लेते थे एंड वही मतलब सीमलेस चीजें नहीं होती थी, बट वो सब ओप्पो ने सारी चीजें कवर के जो निकाला है ना यार बॉस, बहुत ही सही। एक चीज और, अगर इसके अंदर ना पावर सेविंग मोड भी, अगर आप पावर सेविंग मोड वॉच के अंदर ऑन करोगे तो 21 दिनों तक आपका वो आपकी वॉच चलेगी, जो अपने आप में बहुत ही सही चीज है। आज की डेट में कहां देखने को मिलता है 21 दिन तक अगर पावर सेविंग मोड में आपकी स्मार्ट वॉच चल रही है, मतलब थम्स अप है यार इस चीज को। बाकी हार्ट रेट सेंसर है, जायरो स्कोप का भी सपोर्ट है, सेंसर है जायरो का, साथ साथ वाटर प्रूफ भी है हमारी वॉच, मतलब स्विमिंग हो, रेंज में चल रहे हो आप, रनिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी जीपीएस एंड ब्लूटूथ 4.2 का है सपोर्ट, बस ये मुझे लगा 5.0 होना चाहिए था आज की डेट में, तो काफी 5.1 भी आ चुका है काफी डिवाइसेस में, बट 4.2 है, बट ठीक है, काम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो इसलिए हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, तो ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, तो कोई बात नहीं, बट एज अ फीचर, एक फीचर था तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट था इसलिए बता दूं। बाकी इसके अंदर जैसे मैंने बोला बहुत सारे फिटनेस ट्रैकिंग मोड्स है, एक्टिविटी मोड्स है, जितनी मुझे मिलती है मैं स्क्रीन में काफी आपको शेयर कर देता हूं, बहुत सारी है, आप जो मर्जी कर सकते हो, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। और साथ साथ जो आजकल हमें पता है कि एक जो हमारी स्मार्ट वॉच होती है नॉर्मल फिटनेस ट्रैकर या ऐसी चीजें नहीं होती, थोड़ा एक लुक को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, अपने पर्सनैलिटी को ना कहीं एनहेंस करता है, क्योंकि वो जो लुक होती है टाइल की लुक और जो स्ट्रैप होता है उसके सपोर्ट तो हमें करता ही था, साथ साथ वॉच फेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओप्पो के इसके अंदर ऐप के अंदर जाके आप बहुत सारे बहुत यानी कि बहुत हजारों में वॉच फेजेस है और वो और भी डेवलप करे जा रहे हैं, आप बहुत सारे जो भी आपको पसंद है वो तो वॉच फेस कर ही सकते हैं, जब मन की आपने चेंज कर दिया और जैसे आप फोन में सेलेक्ट करोगे वो वॉच फेस आ जाएगा, ऑन द स्पॉट सिंक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। साथ ही साथ एक जो आजकल न्यूली एक ट्रेंड चल रहा है कि आप अपने आउटफिट के साथ मैच कर सकते हैं, मतलब अगर मैंने डार्क ब्लू कलर की या नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, अगर मैं अपने वॉच में चाहता हूँ ओप्पो वॉच में, तो बस मेरे को एक क्लिक करना है अपने टायर का, अपने क्लोथिंग का, एक मैंने क्लिक किया तो ये जो फैब्रिक है इसका कलर आ जाएगा मेरे फोन में और वहां से मैं सेट करूंगा, तो विद द हेल्प ऑफ AI मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी, ऐसा एक वॉच फेस कस्टमाइज बन जाएगा जिससे कि उसका जो वॉच फेस है मेरे ऑन द स्पॉट मेरे वॉच पे आ जाएगा, मतलब कि वो भी एक ब्लू कलर का एकदम वॉच फेस बना देगा डिफरेंट पैटर्न के साथ, जो कि बहुत ही सही, मतलब ब्लू और व्हाइट है मेरे में तो ब्लू और व्हाइट का बनाएगा, जो कि मतलब कितना सही है, वो आपके आउटफिट के साथ मतलब कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी बढ़ाता है, मतलब काफी फ्यूचरिस्टिक चीज लगती है ना बॉस, कि हम चल रहे हैं और हमने आज मैंने रेड पहना तो मेरे वॉच फेस भी रेड है, ब्राउन है, वैसे हम शर्ट और आजकल जो स्नीकर्स का फैशन चल ही रहा है तो वो सारी चीज चलती है, उसके साथ साथ वॉच के साथ भी आप कर सकते हो, साथ साथ स्मार्ट वॉच है, ऐसी वैसी वॉच नहीं स्मार्ट वॉच है, कॉल्स उठा सकते हो, रनिंग एंड आपका फिटनेस एंड सब कुछ चीजें ट्रैक करता है, एक्टिविटी ट्रैक करता है और दिखने में कूल है, फ्यूचरिस्टिक है, एकदम कर्व्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों के अकॉर्डिंग तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे थम्स अप है यार, मतलब कि मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट वॉचेस लगी मुझे। पहले मुझे सैमसंग वॉच बहुत ज्यादा पसंद थी, उसके बाद एप्पल तो पसंद है, एप्पल का तो एक अलग लेवल का क्रेज है, बट जो मजा एक सैमसंग का जो डायल नहीं होती थी वॉचेस में, आपने अगर देखी हो तो सैमसंग की डायल वॉच जो होती है ना वॉच में डायल होती स्मार्ट वॉच में, आप उसे घुमाओगे तो ऑप्शन चेंज होते, तो वो चीज मुझे बहुत प्यारी लगती थी। अब तीसरी जो डिस्प्ले एंड जितनी ज्यादा मैंने फंक्शनलिटीज पढ़ी उसके अकॉर्डिंग ओप्पो वॉच बहुत ही मतलब काफी अट्रैक्टिव लग रही है, तो ये काफी अच्छी है, काफी लोगों को पसंद भी आई होगी, आप लोगों को मैंने सारी चीजें बता दी, बस अब प्राइस बची है। अगर प्राइस की बात कर लेते हैं तो 41mm की वॉच है, जो मैंने बोला ना दो वॉच फेसेस के साथ डायल्स के साथ आती है, 41 एंड 46, 41mm है वो है 15,000 रुपए की एंड 46mm है 20,000 रुपए की, तो आपको 5,000 का फर्क है दोनों वॉचेस में, जो आपके लिए सुटेबल है प्लीज जाके खरीदिए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सही वॉच है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वॉच से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड प्लीज कमेंट करके बताना प्लीज, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाना, मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लीज शेयर करो, जिससे कि अपना चैनल ग्रो हो। फिर मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय बाय।